हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो है, आज मैं जो आपको अपडेट बताने वाला हूँ, UMT का क्यूसी फायर वर्जन 8.5 का जो अपडेट आया है, 25 जनवरी को अपडेट हुआ था। तो इसका जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो UMT ने अपडेट में जो बताया है कि इसके अंदर एक नया जो सिस्टम है, UBL का मतलब होता है अनलॉक बूट लोडर, ठीक है। तो यहाँ पे शाओमी के लिए टेम्पररी बूट लोडर का अभी ऑप्शन दिया है साइड लोड मोड में। जैसे कि हम साइड लोड मोड में UMT में पहले FRP MI अकाउंट वगैरह जो करते थे, लेकिन कुछ फोन्स उसमें नहीं होते थे, कुछ फोन हो जाते थे। तो कुछ फोन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि जिसमें उसका बूट लोडर फर्मवेयर नॉट सपोर्टेड, इस तरह से कुछ एरर आता था। बूट लोडर लॉक होने के कारण ये सारी चीजें इश्यू होती है कि आप जो लेटेस्ट मॉडल है, जैसे कि MI के नोट 9 प्रो के बाद से जो भी मॉडल है, आप UMT में EDL मोड में फ्लैश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कॉम्पेटिबल लोडर नहीं होता है। CPU नॉट फाउंड बता देता है, आपको एक एरर दे देता है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम इसको फास्ट बूट मोड में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फास्ट बूट मोड में भी क्या बताता है कि आपको बूट लोडर अनलॉक करना बहुत जरूरी होता है। अगर बूट लोडर अनलॉक है तभी उसका फास्ट बूट मोड में फ्लैशिंग लेगा। तो अभी तक ये सारा इशू हो रहा था। सबसे पहले इसने अपडेट में हाइड्रा वाले ने निकाला था। सबसे पहले अगर ये चीज हम देखेंगे तो हाइड्रा वाला ये चीज को पहले बना चुका था, उसके बाद अनलॉक टूल में आया था, और अब जो है तो UMT में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये एक वेबसाइट है GSM होस्टिंग वाला, और इसके ऊपर इसने अपडेट बताया है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस UMT का जो है अल्टीमेट क्यूसी फायर है वर्जन V8.5 का, जो कि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अपडेट क्या दिया है। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये सारा चीज तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये सारा पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा सब सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। नीचे आपको लास्ट में आना है, आपको यहाँ देख सकते हैं दो चीजें मैं यहाँ पे न्यू बता रहा है ऑप्शन, आप देख सकते हैं, एक शाओमी टेम्पररी BL अनलॉक न्यू बताया है, और एक शाओमी इनेबल डाइक नो रूट बोल के ऑप्शन दिया है। तो ये दो चीजें हैं जो कि आप इसमें अभी अपडेट में आपको मिल रहा है यूज करने के लिए, फीचर्स जो अभी अपडेट में आया है। तो टेम्पररी बूट लोडर, देखो बूट लोडर का हम परमानेंटली अनलॉक नहीं कर सकते, उसके लिए रूट वगैरह करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को रूट करना नहीं आता, वो रूट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रीजन से करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें उन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए ये टेम्पररी बूट लोडर क्या होता है, आपका टेम्पररी, आप जब तक फोन फ्लैशिंग मोड में है टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक करते हैं, उस तरीके का होता है। जैसे कि हम आईफोन का जो फोन होता है, हम उसको आईट्यून मोड में, सॉरी उसको आईक्लाउड मोड में जब रहता है, उसको हम बाईपास करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उसको जेल ब्रेक करते हैं। जेल ब्रेक भी हमारा जो होता है परमानेंटली वाला जेल ब्रेक नहीं होता है, वो भी एक टेम्पररी होता है। तो वो जेल ब्रेक जब करने से पहले हम उसको टेम्पररी जो है तो उसको जेल ब्रेक करते हैं, तो जब जाके हमारा उसका आईक्लाउड बाईपास हो जाता है। वैसे ही ये सिस्टम है कि जब तक हम अनलॉक कर रहे हैं या फ्लैशिंग कर रहे हैं या FRP हटा रहे हैं, जो लेटेस्ट मॉडल है, इसको सबसे पहले उसका आपको बूट लोडर टेम्पररी अनलॉक करना होगा। उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा करने के लिए, आपको कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑथेंटिकेशन ये बूट लोडर ही है, जो कि आपका जो कंपनी की तरफ से बूट लोडर होता है फोन में, यही ऑथेंटिकेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे ये अपडेट आया है, अब कौन से फोनों में वर्क करता है, कौन से में नहीं किया है, अभी तो ये अभी के अपडेट में आया है, तो देखेंगे कि कौन से फोन में करेगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जो मॉडल अभी के जो नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर ट्राई करेंगे, जैसे कि 11, 12 जो शाओमी का 11, 12, और इसमें एंड्रॉयड वर्जन भी शो कर रहा है कि 11 से 12 के वर्जन तक काम करेगा ये मॉडल, फोनों में काम करेगा, शायद ये 13 पे नहीं करेगा, देखते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो 11, 12 का बताया है, और हम इसके अंदर फोन में ट्राई करेंगे कि कैसे अनलॉक होगा नहीं होगा, उसके ऊपर पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम उसके ऊपर। अभी मैं सिर्फ आपको एक अपडेट के बारे में न्यूज दे रहा हूं कि जो कि शाओमी वाले ने निकाला है, और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, और मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेंगे, हमारे चैनल पे देख सकते हैं आके। तो शाओमी इनेबल डाइक जो कि बहुत सारे मॉडल है, जैसे कि हम नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 7 वगैरह मॉडल में हम कर लेते हैं, लेकिन नोट 8 वगैरह जो है डाइक पोर्ट डायरेक्टली इनेबल नहीं होता है।
उसके लिए रूट वगैरह करना रूट करना पड़ता है, या फिर इंजीनियरिंग रोम होता है चाइनीज रोम, वो हमें डालना होता है, तब जाके इसका डायरेक्ट पोर्ट इनेबल वगैरह कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि कुछ स्पेशल है जो कि लेटेस्ट मॉडल में नो रूट बताया है, और हो सकता है कि ये जो मॉडल हम नहीं कर पा रहे थे पहले, तो वो हो सकते हैं अब के बार में वो डायरेक्ट पोर्ट इनेबल हो जाए विदाउट रूट में, या विदाउट इंजीनियरिंग राइट करने से हमारा ये काम हो सकता है। तो इसके ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी हम एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बना के आपको एक उसका तरीका सिखाएंगे कि कैसे करना है क्या करना है। तो बस यही वीडियो में दो ऑप्शंस अपडेट आया है कि जो एक टेम्पररी बूटलोड अनलॉक कर लेना है, जिसके लिए हमें FRP फ्लैशिंग वगैरह करने के लिए इजी वर्क हो जाए विदाउट ऑथेंटिकेशन, और दूसरा जो है जो कि हम सिक्योरिटी वगैरह जो रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि किसी ने MMC वगैरह चेंज किया वगैरह जो भी है, बेसबैंड अननोन हो गया या उसका IMAN नल हो गया, तो उस कंडीशन में ये काम हम डायरेक्ट पोर्ट इनेबल करते हैं क्वालकॉम के लिए। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमारी अपडेट है, और इसको देख सकते हैं आप नीचे पूरा यहाँ पे मॉडल्स के साथ लिस्ट है। असूस के दो मॉडल ऐड कर लिए है इसने, रॉक ROG का फोन जो होता है उसके दो मॉडल ऐड है, हॉनर के दो मॉडल ऐड किया हुआ है, और उसके बाद शाओमी के बता रहा है कि इतने मॉडल पे ये बता रहा है कि ये मॉडल पे हो सकता है। ठीक है, ट्राई तो हमें खुद करना पड़ेगा कि ये फोनों में काम करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि ये जितने भी लिस्ट में आप देख रहे हैं मॉडल, ये EDL मोड में तो फ्लैश नहीं होते, ना FRP हटते हैं, ना फ्लैशिंग होते हैं, ना MI अकाउंट निकलता है, मतलब EDL मोड में तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए ये मॉडलों को इन्होंने बताया कि ये जो ओनली एंड्रॉयड 11 12 बिफोर अक्टूबर सिक्योरिटी पैच के लिए है, और ये मॉडल पे करने के लिए बता रहा है कि ये इस पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ज्यादातर आप मार्केट में देखेंगे ये मोजिटो सनी और 10 9 9 प्रो 11T, ये ज्यादातर पोको का मॉडल आ जाता है, जैसे कि पोको का एक F4 GT वगैरह जो भी मॉडल है, ये ज्यादातर रेगुलर आने वाले, ये K40, ये जो K40 होता है, ये MI 11 11 का भी, नोट 11 में भी सेम मॉडल होता है, ये दो मॉडल सेम है। तो ये सारे मॉडल में हमने जो पहले ट्राई किए थे इसमें कुछ एरर आते थे, नहीं होता था, बाईपास करने की बहुत बार कोशिश किए, तो अब हो सकता है कि यहाँ पे इसका टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक करेंगे और इसके आगे का काम हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने यू विल गेट ऑप्शन टू यूज इन इट ऑन शाओमी स्पेशल, जो कि पहले पूरा पहले जो ऑप्शन था वही ऑप्शन है इनेबल डाई का, लेकिन इसमें कुछ एक मेथड ऐड किया है कि जब हम ये इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे डाइक इनेबल डाइक ADB पे क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे हमें सेलेक्ट यस फॉर न्यू मेथड और नो फॉर ओल्ड मॉडल, तो ये हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो आपको इसके ऊपर यस और नो जो भी आपको ट्राई करके देखना है कि किस में यस होगा किस में नो होगा, वो आपको कोशिश करना होगा। उसके बाद ओप्पो और रियलमी में न्यू फर्मवेयर फ्लैशिंग सपोर्ट का कुछ इसमें अपडेट आया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर विल ऑटो रिकॉग्नाइज मल्टी सुपर फॉर्मेट एंड सेलेक्ट फाइल ऑटोमेटिकली। हो सकता है कि ये OFP तो पहले भी दिया था, शायद इसमें OFP का अगर ऐड किया होगा तो वो भी देखते हैं हम, टूल डाउनलोड करने के बाद पता चलेगा, हमने अभी डाउनलोड नहीं किया है, और ये सारा चीज़ हम देखेंगे लाइव क्या होता है इसमें। तो जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा, डाउनलोड मिरर, यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर UMT के सपोर्ट एक्सेस के वेबसाइट से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो है ओपन किया हुआ है, मैं आपको सपोर्ट एक्सेस का ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड के लिए न्यू करके लिखा हुआ है, और 340 MB का इसका डाउनलोड का साइज है, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ उसको। UMT, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और एक्सट्रैक्ट के बाद मैं इसको सेटअप भी कर लेंगे, और ये सारे फंक्शंस वगैरह भी हम देख लेंगे जो अपडेट में आया है। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया, और मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट इसको सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें बताएगा जो हमने अभी वेबसाइट पे देखे, जैसे कि ये न्यू ऑप्शन है, और इसको हम नेक्स्ट करेंगे इंस्टॉल। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसमें एक टाइम लग जाता है, 20 30 सेकेंड्स का टाइम लग जाएगा मिनिमम। उसके बाद हम टूल को ओपन कर लेंगे, और सारे फंक्शंस जो है वो हम पहले देख लेंगे, और नेक्स्ट मैं इसके ऊपर पूरा
फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे पास कोई फ़ोन लाइव नहीं है जो जो मैं आपको बूट लोडर अनलॉक करके एक तरीका बताओ दो फ्लैशिंग करने के लिए या अनलॉक करने के लिए। लेकिन जल्द ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूंगा कि कैसे प्रोसेस करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ये टेम्पररी बूट लोडर क्या चीज़ होती है, कब करना है, क्यों करना है, क्या रीज़न है। बहुत सारे लोग जो तो YouTube देखकर सीखने वाले जो होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है समझने के लिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो हमारा फोन फिक्स का हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो बुकिंग चल रही है 27 फरवरी का बैच बुकिंग चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा 27 जनवरी का क्लास स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा 27 फरवरी का बैच बुकिंग चल रहा है। आप नीचे जो नंबर जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे मेरा सेटअप इंस्टॉल हो गया, मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ क्यूसी फाइव को। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, पूरा स्टार्टिंग से लेके मैं आपको जो भी चीज़ समझाया थोड़ा सा डीपली मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। और फोन आएगा तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर वर्क भी वीडियो करके बताऊंगा कैसे अनलॉक करना है, कैसे किस तरह होगा। तो इसके लिए वेट करेंगे, टूल ओपन हो रहा है हमारा। तो टाइम एक 10 सेकेंड का मिनिमम लगता है टूल ओपन होने में, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक बार मैं सपोर्ट एक्सेस को एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है कि UMT में सॉरी आ चुका है। तो कभी ऐसा होता है UMT में कि कुछ टूल अगर पहले से ओपन है तो दूसरा टूल ओपन नहीं होता है, उस कारण भी कभी आपका टूल ओपन नहीं होता। इसके लिए अभी थोड़ा सा लेट ओपन हुआ है। चलो तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन मेरा 8.5 का यहाँ पे अपडेट आ गया है और टूल ओपन हो गया। और इसके बाद मैं एक एक ऑप्शंस देखता हूँ कि इसमें क्या चीज़ इसने अपडेट दिया है। यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जैसे कि फ्लैशिंग मोड में जो तरीका पहले से था वही है और रीड एंड टूल्स में भी इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। सारा कुछ फंक्शन जो पहले से था वही है। और नेक्स्ट होम स्पेशल में आते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको इसी में ही बता रहा था कि अगर आप ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सेलेक्ट द मेथड यू वांट टू यूज। पहले ये इस तरह नहीं आता था, ये डायरेक्ट हम लोग इसको इस पे जब क्लिक करते थे फोन हमें ADB मोड में कनेक्ट करना होता था और डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके सारा कुछ करना होता, तब जाके ये हमारा डायरेक्ट पोर्ट इनेबल करता है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दिया है कि सेलेक्ट द मेथड यू वांट टू यूज, अगर यस है शाओमी न्यू मेथड जिसमें रूट नहीं करना है, जिसमें नो रूट है आप उसमें कर सकते हो, या अगर कुछ ओल्ड वाले जैसा पहले से हम जो पहले करते थे वही अगर सेम करना है तो आप वो उसको नो कर लेंगे तो वो हमारा ओल्ड वाला तरीके से काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट लोडर जब अनलॉक करने के लिए ऑप्शन था तो इतने ही मॉडल होते थे पहले से, ये पुराने टूलों में हम देखेंगे तो इसके अलावा नहीं होता था बूट लोडर अनलॉक करना। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं जो भी आपको अगर बूट लोडर अनलॉक करना है, जो भी समझो रेडमी नोट 10 है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है साइड लोड मोड में, जैसे कि हम रिकवरी मोड में डालते हैं वहां पे MI असिस्टेंट का एक ऑप्शन आता है, हम उस मोड में कनेक्ट करते हैं तो वो एक साइड लोड मोड में चले जाता है और फास्ट बूट वाला जो ड्राइवर होता है वो कनेक्ट कर लेता है। आपको यहाँ पे सिंपली उसको मोड में लेना है और यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपका डाउनलोड सॉरी ये अपना बूट लोडर के टेम्पररी बूट लोडर अनलॉक करके सीधा फास्ट बूट मोड में आ जाएगा फोन। और आप फास्ट बूट मोड में जाकर आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, यहाँ शाओमी भी फ्लैशर में आके यहाँ पे फाइल लोड करके फ्लैश कर सकते हैं, या आपको FRP हटानी है वो वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये सारा चीज बूट लोडर अनलॉक होने के बाद होगा। तो ये सारा ऑप्शन दो अपडेट आया है हमारे UMT में, आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि कहाँ पे कैसे ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट नहीं है और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जो फोन से यहाँ पे है आते हैं जैसे अनलॉक करना है, या मॉडल कोई भी इसमें से कोई भी एक मॉडल आ जाएगा मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर वर्क बताऊंगा कैसे करना है, कैसे बूट लोडर अनलॉक करके हमें आगे का नेक्स्ट। तो वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए कि आपको नोटिफिकेशन में जो भी हमारा वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।